हेलो दोस्तों, पत्रा जी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम एक्सटर्नल माइक बेटर क्वालिटी के लिए मंगवा तो लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है कि वो हमारे मोबाइल के साथ काम नहीं कर रहा होता। इसके मेनली दो कारण होते हैं। एक ये कारण होता है जो रेयर केसेस है कि हमारे फ़ोन का 3.5 mm जैक इसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ऐसे में हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये रेयर केसेस हैं। जो मेन सबसे कॉमन रीज़न है वो है कि हमारे फ़ोन का बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप जो है वो एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करता। लगभग काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन है जिनका बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करता है, और सैमसंग के कुछ फ़ोन है जिनका सपोर्ट करता है। तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है कोई कैमरा ऐप इंस्टॉल करने की जो एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट करती हो। तो मैं इस टाइम बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने अपने मोबाइल में एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट करने के लिए ऐप डाल रखी है, ओपन कैमरा ऐप, और मैं उसी की हेल्प से इस टाइम अपने बोया M1 माइक के थ्रू ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो बोया M1 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, आप उसके रिव्यू में जाके देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने ये बोल रखा है ये वर्क नहीं कर रहा और लोग उसे रिटर्न मार रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि आपका कैमरा ऐप सपोर्ट नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसे में आपको ओपन कैमरा या फिर जो अदर कैमरा ऐप होती है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ओपन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं और वो कैसे सपोर्ट करेगा आपके एक्सटर्नल माइक को। तो आप सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर में, ये देखिए ये प्ले स्टोर है, यहाँ लिखिए ओपन कैमरा, ये ओपन कैमरा ऐप है, और इसे कर दीजिए इंस्टॉल। तो ये 1.3 MB की ऐप है, और देखिए इसके काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और काफ़ी फेमस ऐप है और काफ़ी ट्रस्टेड भी है। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गई और स्कैन हो रहा है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए, अलाउ कीजिए सारा, और आप इसके वीडियो सेटिंग्स में जाइए। वीडियो सेटिंग्स में जाकर आप ऑडियो सोर्स पे जाइए, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, वीडियो सेटिंग्स में जाइए इसकी, और ऑडियो सोर्स में जाइए। ऑडियो सोर्स में जाते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटर्नल माइक, इसे माइक को एक्सटर्नल माइक वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, या फिर आप ये ऑप्टिमाइज्ड फॉर वॉइस कॉल्स भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी सपोर्ट करेगी ताकि आपकी वॉइस ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। तो इसके बाद आप बोया या M1 या एक्सटर्नल माइक आप कोई भी लगाएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे इसके थ्रू वीडियो, तो वो सपोर्ट करेगा इसको। और मैं इस टाइम यही कर रहा हूँ कि मैंने अपने Realme 2 Pro में, जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोया का M1 माइक लगाया हुआ है, और ये ऐप इंस्टॉल की हुई है जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे सामने वाले फ़ोन में ये रिकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन का एक्सटर्नल माइक जो कि है बोया M1 माइक मैंने निकाल दिया और आपके सामने रख दिया, और इस टाइम जो रिकॉर्डिंग हो रही है फ़ोन के इंटरनल माइक से हो रही है, और आपके सामने Redmi Note 3 बोया M1 का माइक, और इसे मैं अपने Redmi Note 3 में लगाकर ओपन कैमरा इंस्टॉल करके रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि उसमें वॉइस कैसी आ रही है। और जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अभी इस टाइम अपने Realme 2 Pro के थ्रू उसके इंटरनल माइक के थ्रू कर पा रहा हूँ। और ये देखिए, ये मैं इसे लगाता हूँ 3.5 mm जैक को इस फ़ोन में, ये देखिए हेडफोन सिग्नल आ गया है, साइन आ गया है, और इससे ये देखिए ओपन कैमरा मैं करता हूँ ऑन, इसके वीडियो ऑप्शन में जाता हूँ, ये कर दिया मैंने स्टार्ट। तो फिलहाल जो अब आप आवाज़ सुन पा रहे हैं Redmi Note 3 में, वो बोया M1 के थ्रू आ रही है, और अब इसे मैं निकालता हूँ। अब आप जो फ़िलहाल आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरे Redmi Note 3 में, वो उसके इंटरनल माइक से हो रही है। तो अब मैं इसे बंद करता हूँ और आपको आवाज़ सुनाता हूँ कैसी रही। तो ये रिकॉर्डिंग हुई है, इसे हम करते हैं ऑन, ये सुनिए। तो फिलहाल जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं Redmi Note 3 में, वो बोया M1 के थ्रू आ रही है, और अब इसे मैं निकालता हूँ। अब जो फिलहाल
फिलहाल आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरे Redmi Note 3 में वो उसके इंटरनल माइक से हो रही है। तो अब मैं इसे बंद करता हूँ और आपको आवाज़ सुनाता हूँ कैसी लगती है। तो फिलहाल जो आप आवाज़ सुन पा रहे तो आपको फ़र्क महसूस हो गया होगा। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक मारिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब मारिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग पत्रा जी टेक।